हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में लोग बात करेंगे दोनों डॉग ब्रीड के बीच में कंपैरिजन होने वाला है, जो कि एक तरफ आपकी बोस्टन टेरियर डॉग ब्रीड है और दूसरी तरफ आपके फ्रेंच बुलडॉग डॉग ब्रीड है। अगर आप लोग दोनों डॉग ब्रीड के बीच में कंफ्यूजन में हो कि हमें कौन सी डॉग ब्रीड की तरफ जाना चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आप लोग डिसाइड कर सको कि आपको ये दोनों में से कौन सी डॉग ब्रीड ज्यादा सुटेबल रहेगी और किस कंडीशन में रहेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकी इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग के मामले में। तो यहाँ पे जो बाजी मार जाता है वहाँ पे आपका आता है बोस्टन टेरियर डॉग ब्रीड। ये कंपेरेटिवली थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इन्हें आप ट्रेन करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, जिसके चलते ये इजिली ट्रेन हो जाएंगे और आप इन्हें घर पे भी ट्रेनिंग दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंच बुलडॉग को ट्रेनिंग नहीं दे सकते, लेकिन कंपेरेटिवली एक एज है बोस्टन टेरियर के पास जो कि थोड़ी जल्दी चीजों को पिकअप कर लेते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों में से कौन सी डॉग ब्रीड ज्यादा सुटेबल रहेगी फैमिली के लिए, जो कि ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है, मतलब वॉक पे जाना पसंद नहीं करती, थोड़ा घर पे ही टाइम बिताना ज्यादा पसंद करती है, और उनके लिए कौन सी डॉग ब्रीड ज्यादा बेटर रहेगी। तो यहाँ पे जो बाजी मारता है वो है आपका फ्रेंच बुलडॉग। फ्रेंच बुलडॉग कंपेरेटिवली थोड़े मतलब घर में रहने वाली टाइप की डॉग ब्रीड है, ज्यादा इन्हें बाहर घूमने जाना पसंद नहीं होता। आप इन्हें वॉक पे लेके जाना चाहो तो छोटी छोटी वॉक पे ले जा सकते हो, अदरवाइज ये घर में भी काफी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। छोटा अपार्टमेंट है तो भी आराम से रह लेंगे। आपको ज्यादा ये नहीं है कि वॉक पे लेके जाना ही पड़ेगा या फिर बाहर एक्सरसाइज पे लेके जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। घर पे भी आप इन्हें इजीली रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं बोस्टन टेरियर डॉग ब्रीड। अगर आप इन्हें छोटे अपार्टमेंट में रखते हो तो इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते घर में उछल कूद मचा के रखेंगे, यहाँ से वहां भागते रहेंगे अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के चक्कर में, और शायद ये घर में थोड़ा बहुत नुकसान भी करते, किसी चीज को गिराकर तोड़ भी सकते हैं। तो वहां पे आपके लिए एक अच्छी चॉइस साबित होती है। अगर आप छोटे अपार्टमेंट में रहते हो तो आप फ्रेंच बुलडॉग की तरफ जा सकते हो। बोस्टन टेरियर डॉग ब्रीड उनके लिए अच्छी चॉइस साबित है जिनका घर थोड़ा सा कंपेरेटिवली बड़ा होता है, या फिर जो फार्म हाउस की तरफ रहते हैं, फार्म हाउस के लिए एक डॉग रखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बोस्टन टेरियर एक अच्छी चॉइस साबित होती है। छोटे अपार्टमेंट में रखने को तो आप रख सकते हो, लेकिन इनका एनर्जी लेवल हाई होता है, जिसके चलते आपको इन्हें वॉक पे जरूर लेके जाना पड़ेगा, दिन में 2 से 3 बारी, वो भी लंबी लंबी वॉक पे। तो आपको इस चीज के लिए अगर आप तैयार हो तो आप बेझिझक बोस्टन टेरियर को छोटे अपार्टमेंट में रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पे हम अब बात कर रहे हैं ग्रूमिंग की, तो ग्रूमिंग में दोनों ही डॉग ब्रीड इजी टू मेंटेन है, आपको ज्यादा टाइम किसी भी डॉग पर स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों डॉग का शॉर्ट कोट है, जिसके चलते आप इन्हें इजीली मेंटेन कर सकते हो। दोनों ही डॉग ब्रीड काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हॉट क्लाइमेट में एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन यहाँ पे आप दोनों डॉग को दिन के टाइम बाहर ना रखना, घर के अंदर रखना ज्यादा प्रेफर करना, क्योंकि इन्हें हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ठंड के टाइम ये दोनों डॉग ब्रीड को आपको कपड़े पहनाने पड़ेंगे, अदरवाइज इन्हें ठंड लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोनों में से कौन सी डॉग ब्रीड काफी अच्छे वॉच डॉग का काम करेगी। ये दोनों डॉग ब्रीड गार्ड डॉग के लिए सुटेबल नहीं है, पहले ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। अब हम बात करते हैं दोनों में से कौन सी डॉग ब्रीड वॉच डॉग के लिए सुटेबल रहेगी। तो यहाँ पे बाजी मार जाता है दोबारा से आपका बोस्टन टेरियर डॉग ब्रीड। बोस्टन टेरियर डॉग ब्रीड एज अ वॉच डॉग काफी ज्यादा अच्छे हैं कंपेरेटिवली अगर हम बात करते हैं फ्रेंच बुलडॉग के। फ्रेंच बुलडॉग थोड़े लेजी टाइप की डॉग ब्रीड है, वो इतना ज्यादा मतलब लोगों के साथ इंटरेक्शन पसंद नहीं करेगी, साथ में वो ज्यादा बात करके भी नहीं बताएगी, घर मतलब साइलेंस क्रिएट करके रखती है, वो इतना ज्यादा शोर शराबे वाली नहीं है। और वहीं पे बोस्टन टेरियर डॉग भी बहुत ही छोटी छोटी आवाज के भी काफी ज्यादा शोर मचा के आपको चौकन्ना कर देंगे। तो अगर आपके लोकेलिटी में ऐसे है कि भाई आपको चोर बोर की दिक्कत नहीं है, आपको मतलब एक फैमिली डॉग ब्रीड चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए एक अच्छी चॉइस साबित हो सकती है फ्रेंच बुलडॉग डॉग ब्रीड, ना कि आपके लिए बोस्टन टेरियर डॉग ब्रीड। तो आप इस चीज को जरूर दिमाग में लेके चलना कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी डॉग ब्रीड ज्यादा सुटेबल बैठ रही है, क्योंकि कई लोकेलिटी के अंदर लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पे लोग शांति पसंद करते हैं, तो आपका डॉग अगर बात करें तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके चलते अगर आप वहाँ पे रहते हो, मतलब आपकी सोसाइटी ऐसी है कि लोग ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं करते, तो आप वहाँ पे फ्रेंच बुलडॉग को रख लो, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बोस्टन टेरियर को रखते हो तो वो रात में अगर कोई भी बाहर से गुजर रहा होगा या फिर थोड़ी बहुत आवाज आएगी तो प्रॉपर बार्क करना शुरू कर देंगे, जिस तरीके से आपके पोमरेनियन टाइप की डॉग ब्रीड करती है, सेम उसी तरीके से। ये दोनों ही डॉग ब्रीड को आप इजीली इंडिया के अंदर रख सकते हो, किसी भी क्लाइमेट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको बोस्टन टेरियर के ब्रीडर को ढूंढने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फ्रेंच बुलडॉग की, तो फ्रेंच बुलडॉग को आप इजीली कहीं पर भी रख सकते हो और कहीं पर भी आपको इजीली मिल भी जाते हैं। इनका जो प्राइस होता है फ्रेंच बुलडॉग का, वो 15,000 से स्टार्ट हो जाता है एक नॉर्मल क्वालिटी के पप्पी का, और इनकी क्वालिटी के हिसाब से प्राइस बढ़ते जाते हैं।
बॉस्टन टेरियर का कोई भी प्राइस फिक्स नहीं है, प्राइस इनका डिपेंड करते हैं कि ब्रीडर के ऊपर, जो भी ब्रीडर कोट कर देता है प्राइस, आपको उसी हिसाब से प्राइस देके वो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर लिमिटेड डॉग हैं, वो भी शायद से आपको ढूंढने में मिल जाए, तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बॉस्टन टेरियर की तरफ जा रहे हो तो आपको ब्रीडर में भी आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है कि ढूंढने में, और अगर ये चीज का फुल अश्योरेंस रही भाई बॉस्टन टेरियर का जो ब्रीडर होगा उसके पास अगर मेल फीमेल है तो वो आपको प्योर ही पपी देगा, लेकिन उसका प्राइस ज्यादा हो सकता है। बाकी आपको फ्रेंच बुलडॉग का भी अगर आप एक अच्छी जगह से ले रहे हो जो क्वालिटी का अश्योरेंस दे रहे हैं, तो आप वहां से पपी लेने पे आपको आप फ्रेंच बुलडॉग के लिए भी बिल्कुल टेंशन फ्री लेके आ सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों ही डॉग ब्रीड काफी ज्यादा हेल्दी डॉग ब्रीड है, इनमें आपको हेल्थ इशू काफी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली बॉस्टन टेरियर थोड़े से ज्यादा हेल्दी डॉग ब्रीड है एज कम्पेयर टू फ्रेंच बुलडॉग। फ्रेंच बुलडॉग में थोड़े से हेल्थ इशू कंपेरेटिवली ज्यादा है, लेकिन दोनों ही डॉग ब्रीड रात को खराटे जरूर मार के सोती है भाई, आप इस चीज के लिए तैयार रहना। अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि शांति में सोना पसंद करते हो, छोटी छोटी आवाज से भी आपकी नींद टूट जाती है, तो ये दोनों ही डॉग ब्रीड आपके लिए फिर बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली केसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा 99% फ्रेंच बुलडॉग और 90% आपके बॉस्टन टेरियर, ये खराटे मार के सोते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करके भी सुन सकते हो, ये जितने भी ये जिनका मुंह अंदर की तरफ होते से पग हो गया, आपका फ्रेंच मैस्टिफ हो गया, बुलडॉग हो गया, ये जितने भी टाइप के डॉग ब्रीड है बॉक्सर, इन ये खराटे मारती ही मारती, तो आप इस चीज के लिए जरूर से तैयार रहना। अगर आप इन डॉग ब्रीड को लेके आ रहे हो तो थोड़ी सी आपको आपके नींद के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है अगर आप कच्ची नींद में सोते, बाकी जो बंदे पक्की नींद में सोते हैं भाई, एक बार सो गए तो सवेरे उठेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, उन्हें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, वो बीच से रख सकते हैं दोनों में से कोई भी डॉग ब्रीड। अब आप लोग का ये काम है, आप लोग कमेंट में ये बताना कि आपके हिसाब से कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए सुटेबल बैठ रही है किस कंडीशन के हिसाब से, जिससे कि मेरे को वो चीज का पता चल जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट मोडियल। जय हिंद दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।